नमस्कार किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रोहित कौशिक और सीडलिंग पे आपको प्लांट दिखाने वाला हूँ जो कि 4 साल का पौधा है और इसमें प्रथम वर्ष कटिंग ना हो पाने के कारण या अनुभव प्राप्त ना हो पाने के कारण जो पौधे हैं वो काफ़ी हाइट में है, लेकिन हाइट तो सही है। इन ब्रांचेज जो है वो थोड़ी सी इधर उधर इसकी हुई है, लेकिन अगर पौधे की बात की जाए तो पौधा बहुत ही अच्छा, इस बार इसमें बहुत अच्छे सेब भी हमने खाए। साथ में इस पोर्शन में इससे पहले सहभागी फसल बैंगन ली गई थी और अब इसमें बंद गोभी लगा दी गई है। एक दूसरा बगीचा है जिसमें इस बार अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे चौहान जी के मेथड से 600 पौधे लगाए गए हैं सेब के और 100 पौधे प्लम के, लेकिन ये उससे भी पहले का 4 वर्ष पूर्व का ये तरह का डेमोस्ट्रेशन जिसमें अच्छा सैंपल लिया और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें प्रेम चौहान जी का, एक रोहित जी हैं चौपाल से, उन्होंने करके दिखाया था कि इस तरीके से जो बाप ने पौधे लगाए हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे 600 प्लांट उस पर आप इस तरह की कटिंग करेंगे तो फ्रूट जो है पहले से भी कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वो फ्यूचर बताएगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ब्लैक अंबर जो कि हाइट में लगभग 20 फुट चला गया होगा, 20 ना तो लगभग 18 फुट के करीब करीब होगा, क्योंकि जो मेरा घर है 20 फुट हाइट पे होगा तो इससे के इक्वल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 17.5 फुट की ये हाइट में चला गया है। ब्लैक अंबर की खासियत की सीधा खड़ा जाता है और इसमें यहाँ पर कहीं कहीं मुझे इस बार अच्छे फ्रूट भी देखने को मिले थे। पक्षी ने इसमें घोंसला बड़ा अच्छा बनाया है, आप देखें, ये देखें। नेचुरल फार्मिंग की यही खासियत है कि हम कीट पतंगों को मार नहीं रहे हैं, भगा रहे हैं तरह तरह के जो हम गोमूत्र से जो मैं दवाइयाँ पालेकर विधि से बनाता भी हूँ और फॉर सेल भी इसको करता हूँ दवाइयों को, तो इसमें जहाँ आती है पक्षियों की बात तो पक्षी देखें कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा करके यहाँ पे लाए और इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे सुंदर जिसे कहते हैं अपना घोंसला और इसके अंदर भी एजटिज है, मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, और कहते हैं कि अगर इनको इनके अंडे में अपनी सांस चली जाए तो ये यहाँ पे जो है इनकी जो माँ है उनको छेड़छाड़ हो जाती है। तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ वैसे भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में। और दूसरी तरफ आप देखें एक और यहाँ पर, तो प्राकृतिक कृषि का एक नमूना मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा सब्जियों में टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, गोभी इत्यादि की खेती हम कर ही रहे हैं। ये बिल्कुल घर के समीप एक हमने ये 4 वर्ष पूर्व गार्डन लगाया था, इसमें इस बार अच्छे फ्रूट मिले। ब्लैक अंबर को अभी दूसरा साल चला है तो आई थिंक तीसरे साल अगले साल ये इस अच्छा फ्रूट हमें देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्रिप्शन लाइक करें, शेयर करें और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें।